ओके, आज दीपेश मिश्रा हमारे साथ हैं जो कि एक लैपटॉप लेके आए हैं, और ये लैपटॉप किसी दुकान से आया है रिटर्न, जो कि वहाँ पर रिपेयर नहीं हुआ है। तो दीपेश, आप ये बताइए हमें कि इस लैपटॉप में प्रॉब्लम क्या आ रही है। सर, ये HP का लैपटॉप है और इसमें बटन दबाने पे पावर नहीं आ रहा है। एक बार बटन दबा के बताओ आप। अच्छा, एडाप्टर लगा हुआ है इसका। हाँ, तो एडाप्टर लगा हुआ है। बटन दबाओ एक बार फिर से। अच्छा, ओके, तो देखो ये लाइट तो जल रही है इसकी, लेकिन फिर भी ये लैपटॉप नो पावर में है। ओके, तो अभी दीपेश ने लैपटॉप रिपेयर कर लिया है। लैपटॉप रिपेयरिंग की वीडियो हमने इसलिए नहीं डाली क्योंकि दीपेश थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी लैपटॉप में वो अच्छी तरह से समझ पा रहे थे। तो ठीक है, हम एक बार इन्हीं से पूछ लेते हैं कि इन्होंने इसमें क्या किया है। सर, इसमें 3 वोल्ट वाली जो सप्लाई लाइन थी उसमें एक रजिस्टर की वैल्यू ज़्यादा आ रही थी और उसको चेंज करने पे इसका पावर ऑन हो गया। अच्छा, तो वो रजिस्टर की वैल्यू आपने स्कीमेटिक डायग्राम में देखी थी क्या? सर, इसका स्कीमेटिक डायग्राम नहीं था, बट सेम लैपटॉप का बोर्ड लेके उसमें लाइन ट्रेस करने पर पता चला था वैल्यू 15 ओम्स, 15 किलो ओम्स की वैल्यू आ रही थी और इसमें 1 मेगा ओम से ज़्यादा की वैल्यू आ रही थी, तो रजिस्टर चेंज करने पे इसका पावर ऑन हो गया। ओके दीपेश, अभी आप ऐसा करिए, इसको लैपटॉप को इसी कंडीशन में, लैपटॉप दिखाओ ज़रा एक बार स्क्रीन पर, इसी कंडीशन में इसको एक बार ऑन करके बताइए आप हमें, इसका डिस्प्ले आ रहा है या नहीं आ रहा अपन चेक करेंगे। तो दीपेश, इसका डिस्प्ले जो है आ चुका है, और ये लैपटॉप जब आप लेके आए थे तो ये पूरी तरह से नो पावर था, और किसी दुकान से भी शायद ये रिटर्न था, वहाँ पर ये रिपेयर नहीं हो पाया था। तो अभी आपने इसको खुद ने अपने से रिपेयर किया है, कोई सर की इसमें कोई हेल्प नहीं लिए, तो आप बताइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि कैसा लग रहा है, आपने फ़र्स्ट अपना लैपटॉप रिपेयर किया है। सर, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब प्राउड सा फील हो रहा है अपने आप पे। और सर, मतलब काफ़ी अच्छे से सिखाया है जिस कारण मैं लैपटॉप रिपेयर कर पाया हूँ। सो थैंक यू सर, मुझे इतना सिखाने के लिए।